दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए 2007 में रिलीज हुई मूवी जोडियक को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में हमें एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है, जिसने 1960 से 1970 तक पूरे सैन फ्रांसिस्को में दहशत मचा कर रखी थी। वो किलर कत्ल करने से पहले पुलिस को लेटर्स लिखता था और उन्हें हिंट देता था, लेकिन इसके बाद भी पुलिस 1960 से लेकर आज तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई। ये मूवी देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। इस मूवी को 21वीं सदी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज का खिताब मिला है। आई गारंटी कि अगर आप इस मूवी को अकेले देखेंगे तो आपको इस मूवी की कहानी जरा भी समझ नहीं आएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 4 जुलाई 1969 से वेलेहो सिटी से होती है और हम एक लड़की डार्लिन को देखते हैं, जो शादीशुदा होने के बाद भी बहुत सारे लड़कों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रखती थी। एक रात डार्लिन माइक नाम के एक लड़के को पिकअप करती है और वो दोनों वेलेहो की बस्ती से बाहर टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तभी वहां पर एक काली गाड़ी में एक आदमी आता है, जो डार्लिन और माइक पर गोलियों की बरसात करता है। इस अटैक में डार्लिन मर जाती है, लेकिन माइक की जान बच जाती है। यहाँ कहानी एक महीने आगे बढ़ती है और हम एक न्यूज़पेपर ऑफिस सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल का सीन देखते हैं, जिन्हें उसी किलर का एक लेटर मिलता है। इस लेटर में किलर अपना नाम जोडियक बताता है। लेटर में जोडियक ने एक कोडेड मैसेज भेजा था और उसके साथ ही ये भी लिखा था कि जब तक पुलिस इन कोडेड मैसेजेस को सॉल्व करके इनमें से उसकी आइडेंटिटी नहीं ढूंढेगी, तब तक वो पूरे एक दर्जन लोगों को मारेगा। ये लेटर सभी लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि लेटर में किलर ने साफ साफ लिखा था कि वो 12 और लोगों को मारने वाला है। कुछ ही देर में उसका लेटर और उसका पजल सैन फ्रांसिस्को के सभी डिपार्टमेंट्स में फैल जाता है और सभी डिपार्टमेंट्स इसे सॉल्व करने में लग जाते हैं। SF क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में हम एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रेस्मिथ को देखते हैं। उन लेटर्स को देखते ही रॉबर्ट उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे पजल्स बहुत पसंद है। कई घंटों तक मेहनत के बाद रॉबर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि इन लेटर्स में उस किलर की आइडेंटिटी नहीं है। सीन इस न्यूज़पेपर के क्राइम रिपोर्टर की तरफ मुड़ता है, जिसका नाम पॉल एवरी है। रॉबर्ट एवरी के पास आता है और उसे बताता है कि इस पजल में जोडियक की आइडेंटिटी नहीं है, बट पॉल उसे सीरियसली नहीं लेता, इवन कि वो रॉबर्ट का मजाक उड़ाता है। जब न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो एक मैरिड कपल उस पजल को सॉल्व करता है और तब इस बात पर सबको यकीन हो जाता है कि इस पजल में सच में किलर की आइडेंटिटी नहीं थी। यहाँ सीन फिर से कट होकर एक कपल की तरफ मुड़ता है, जिनका नाम ब्रायन और सेसिलिया है। ब्रायन और सेसिलिया लेक के किनारे पर टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी उनके पास वही किलर आता है और उन्हें नाइफ से स्टैब करता है, जिस वजह से ब्रायन और सेसिलिया दोनों की डेथ हो जाती है। सीन फिर से न्यूज़पेपर ऑफिस की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि उस किलर ने फिर से एक लेटर भेजा है, जिसमें एक और पजल है। रॉबर्ट इस पजल के बारे में पॉल से बात करता है, लेकिन ईगो के चलते पॉल फिर से रॉबर्ट का मजाक उड़ाता है। अब रॉबर्ट उस पजल को किसी हद तक सॉल्व कर लेता है और पॉल को समझाता है। ये इन्फॉर्मेशन पॉल को हेल्पफुल लगती है और वो इस केस की इन्फॉर्मेशन रॉबर्ट के साथ शेयर करता है। पजल में जोडियक ने लिखा था कि आदमी सबसे खतरनाक जानवर है। रॉबर्ट पॉल को बताता है कि जोडियक आदमी को जानवर बताकर एक मूवी की तरफ इशारा कर रहा है, जिसका नाम है द मोस्ट डेंजरस गेम। इस मूवी में विलन लोगों को मारकर उनका शिकार करता है। यहाँ पर हमें साफ समझ आता है कि रॉबर्ट का दिमाग बहुत तेज चलता है। यहाँ सीन एक टैक्सी ड्राइवर की तरफ मुड़ता है, जो अपनी टैक्सी में एक आदमी को बिठाता है। वो आदमी उसे एक जगह पर चलने के लिए कहता है और वहां पहुंचकर वो उस ड्राइवर को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। और यहां कहानी में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, डेव टॉस्की और उसका पार्टनर बिल आर्मस्ट्रांग। ये दोनों सैन फ्रांसिस्को में पुलिस ऑफिसर्स हैं और जोडियक के केस को सॉल्व करने के लिए इन्हें ही जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि अभी तक पुलिस को जोडियक के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था, बट टैक्सी में उन्हें फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं और डेव को पूरा यकीन है कि ये फिंगरप्रिंट्स जोडियक के हैं। यहाँ सीन फिर से क्रॉनिकल ऑफिस की तरफ मुड़ता है और हम देखते हैं कि जोडियक ने फिर से एक लेटर भेजा है और अब की बार उसने लेटर के साथ टैक्सी ड्राइवर की खून से सनी हुई शर्ट का एक टुकड़ा भी भेजा है। जोडियक ने लेटर में
पुलिस और सैन फ्रांसिस्को के लोगों को टॉन्ट किया था कि उनमें से किसी के पास भी इतना दिमाग नहीं है जो उसे ढूंढ सके। जोडिएक बहुत टाइम तक ऐसे ही लेटर्स भेजता है और हर बार वो पुलिस को नाकारा कहकर नीचा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अपनी तरफ से सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। जोडिएक पुलिस को फिर से एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि वो एक लाइव टीवी शो में कॉल करके शो पर मौजूद लॉयर से बात करना चाहता है। शो शुरू होता है और जोडिएक का कॉल आता है। जोडिएक शो के होस्ट जिम को बताता है कि वो बीमार है, उसके सर में बहुत दर्द है। जब उसके सर का दर्द बढ़ जाता है तभी वो लोगों को मारता है और इससे उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। पुलिस उसकी कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जोडिएक उनसे ज्यादा चालाक था इसलिए वो लंबी कॉल्स नहीं करता, वो कॉल कट करके दोबारा कॉल करता है। अब कुछ टाइम बीत जाता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। पुलिस सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बनाती है और उनसे पूछताछ करती है। इन्हीं सस्पेक्ट्स में से एक का नाम आर्थर होता है। इंस्पेक्टर डेव टॉस्की अपने साथियों के साथ उससे पूछताछ करने आता है। टॉस्की नोटिस करता है कि आर्थर के हाथ में जो घड़ी है उस पर वही जोड़िएक का साइन बना है और साथ ही उसकी हरकतें भी अजीब है। टॉस्की उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि आर्थर को स्कूल में जॉब से निकाला गया था क्योंकि वो बच्चों को गलत तरीके से टच करता था। टॉस्की का शक और भी बढ़ जाता है, इसलिए वो आर्थर की हैंडराइटिंग को एक्सपर्ट के द्वारा जोडिएक के लिखे हुए लेटर्स के साथ मैच करता है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग जोडिएक से मैच नहीं करती। सीन पॉल की तरफ मुड़ता है। पॉल रोज अपने न्यूज़पेपर में जोडिएक के बारे में कुछ न कुछ पब्लिश करता रहता था क्योंकि वो एक क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन एक दिन जोडिएक उसे लेटर भेजता है जिसमें टैक्सी ड्राइवर की शर्ट का टुकड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था और साथ ही लेटर में जोडिएक ने पॉल को धमकी भी दी थी। पॉल इस धमकी से पूरी तरह हिल जाता है और शराब पीने लगता है। वो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता है और ऐसा होता भी क्यों ना, जोडिएक की दहशत पूरे शहर में फैल चुकी थी, वो मशहूर हो चुका था, लोग उसके नाम से भी कांपने लगे थे। पुलिस अभी भी उसे पकड़ने में नाकाम थी। इस सिचुएशन के चलते पॉल को उसकी जॉब से निकाला जाता है और वो सैक्रामेंटो बीच चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट अभी भी जोडिएक केस को सॉल्व करने की कोशिश में लगा हुआ था। वो पूरी रिसर्च करता है और धीरे धीरे वही जोडिएक केस की कड़ियों को जोड़ने लगता है। एक दिन वो टॉस्की से मिलता है और उसे जोडिएक केस की इन्फॉर्मेशन देकर इम्प्रेस करता है। टॉस्की डायरेक्टली उसे जोडिएक केस में मदद नहीं कर सकता था क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर किसी को इन्फॉर्मेशन देना अलाउड नहीं है, इसलिए वो इनडायरेक्टली उसकी हेल्प करता है और उसे अपने फ्रेंड्स के पास भेजता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। उनके पास जाकर जोडिएक केस पर रॉबर्ट पूरी रिसर्च करता है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और उसे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल में पब्लिश करता है और एक टीवी शो में जोडिएक केस के बारे में इंटरव्यू भी देता है और बताता है कि वो जोडिएक पर एक बुक लिख रहा है। इस टीवी इंटरव्यू के बाद उसके घर पर जोडिएक की कॉल्स आने लगती है, हालांकि जोडिएक कॉल्स पर बात नहीं करता, बट उसकी बीवी डर जाती है और एक रात वो रॉबर्ट को छोड़कर चली जाती है। वो अपने बच्चों को भी साथ ले जाती है। रॉबर्ट अब जोडिएक केस को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था और इस सब के चलते उसे जॉब से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। रॉबर्ट को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि आर्थर डार्लिन के घर के पास ही काम करता था और शायद उसे जानता था, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि आर्थर का बर्थडे उसी डेट को होता है जिस डेट के बारे में जोडिएक ने अपने लेटर में बताया था। अब रॉबर्ट के पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उससे यही लग रहा था कि आर्थर ही जोडिएक है, बट उसके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था। ना ही टैक्सी ड्राइवर की कार में मिले फिंगरप्रिंट्स आर्थर के साथ मैच करते हैं और ना ही उसकी हैंडराइटिंग। अब पुलिस माइक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि यही एक आदमी ऐसा था जिसने जोडिएक को देखा था जब उसने माइक पर अटैक किया था, बट वो पुलिस को नहीं मिल रहा था। इस इन्वेस्टिगेशन के चलते चलते अब बहुत टाइम बीत जाता है और एक दिन रॉबर्ट आर्थर से मिलने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं लेकिन बात नहीं करते। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है। अब इस जोडिएक केस को 8 साल बीत जाते हैं। रॉबर्ट की बुक पब्लिश हो जाती है और बेस्ट सेलर बन जाती है। एक दिन अचानक माइक वापस लौट कर आ जाता है
और पुलिस स्टेशन में जोडियक को आइडेंटिफाई करने के लिए चला जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे जोडियक सस्पेक्ट्स की कुछ फोटोज दिखाता है और माइक उससे कहता है कि मेरे हिसाब से आर्थर जोडियक है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ क्योंकि तब से अब तक बहुत साल बीत चुके हैं। यानी रॉबर्ट की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही थी और अब माइक के जोडियक को आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है और हमें एपिलॉग में बताया जाता है कि इससे पहले कि आर्थर को इन कत्लों के इल्जाम में कोई सजा हो पाती, उससे पहले ही उसके डेथ हो जाती है। 2002 में जोडियक के लेटर की डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चलता है कि आर्थर जोडियक नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार सवाल उठता है कि आखिर जोडियक कौन था। 2004 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इस केस की इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देता है, लेकिन नापा और सोलेनो काउंटी के अलावा सिटी ऑफ वैलेहो में भी ये केस अभी भी ओपन है, लेकिन वहाँ पर अभी भी आर्थर को इस केस का अकेला और प्राइम सस्पेक्ट माना जाता है। इंस्पेक्टर डेव टॉस्की 1989 में अपनी सर्विसेज से रिटायर हो चुका था और पॉल एवरी का देहांत 10 दिसंबर 2000 को 66 साल की उम्र में हुआ था। लेकिन रॉबर्ट ग्रे स्मिथ अभी भी अपनी फैमिली के साथ सैन फ्रांसिस्को में खुशी खुशी रहता है और उसका कहना है कि आर्थर की डेथ के बाद उसके घर पे जोडियक का कोई कॉल नहीं आया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक या डिसलाइक कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और साथ ही इस समय हमें आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है, इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।